हेलो एवरीवन, मैं नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, मैं नाम मिश्रा। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर देना। आज की जोड़ी लेकर आए हैं भाई मुस्लिम लड़कियां, जो कि एक जो शिव तांडव होता है ना, वो जो मतलब होता है वो सुना रही है मुझे लगता है। तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज फिर वही। ये मुस्लिम बहनें जब श्री सियाराम के लिए इसे गाने गा रही हैं तो आप क्या कहेंगे? मेरे राम सियाराम राजा राम सियाराम मेरे मन में बसे हैं राम मेरे तन में बसे हैं राम। मुस्लिम बहनें और या मुस्लिम कोई लड़की इस तरह से राम जी के लिए गाना गा रही हो, ये भारत में ही हो सकता है, हिंदुस्तान में ही हो सकता है। जे, 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 बहुत बड़ी खूबसूरत। कृपा करो महाराज। साहिना खातून नाम है, हनुमान जी का भजन गाती है, जय 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 हनुमान गुसाई। तो कभी कोई रोका नहीं कि ये मुस्लिम धर्म की बच्चियां हो तो तुम जो है काहे हिंदू देवी देवताओं के गाना गाते हो? जी नहीं, कोई नहीं रुकाया। जब माँ बाप पीछे खड़े हैं तो दुनिया रुकेगा तो रुकने से क्या फायदा, हम अपना तो चलते रहेंगे। ए दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। संजीदा खातून, साहिना खातून, नैन्सी प्रवीण और साहिस्ता प्रवीण, ये चार बहनें हैं और चारों से आप अभी हनुमान जी का भजन सुन रहे थे। धार्मिक एकता का सबसे बड़ा मिसाल, और वही इसीलिए तो कहते हैं अपना देश महान है। यहाँ चार मुस्लिम बहनें, क्या नाम है आपका? साहिस्ता प्रवीण। साहिना खातून। संजीदा खातून। नैन्सी प्रवीण। तो मतलब ये चारों शानदार भक्ति गाने गाते हैं, और ऐसे गाने जिसको आप सुने तो लगे इसके पीछे में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक का जरूरत नहीं है, ऐसे ही ये शानदार गाने गाती है और वो गाती रहे और हम सुनते रहे। बिना देर की आपको शिव तांडव सुनवाते हैं, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जटा कटाह संभ्रमन भ्रमन निलिंप निर्झरे विलोल वीचि वल्लरि विराजमान मुरारी। धगत 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 ज्वल ललाट पट पावके किशोर चंद्र शेखर रति प्रतीक्षणम नमः। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाए बदले कथाए, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। क्या बात है, वाओ। धरा धरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधु रस पुरत गंध संतति प्रमोद मान मान से, कृपा कटाक्ष धोरणी निरोध दुर्धरा पति पचि दिगंबरे मनो विनोद जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फनामणि प्रभ कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान सिंधुर स्फुरत गुप्तरेय मेधुरे मनो विनोद मधुतम विभर्तु भूत भर्तरी। चारों का एक साथ लगता है ऐसे कि कोई रिकॉर्डेड सिस्टम हो और एक साथ प्ले किया और बजने लगा, तो इतना तारतम्य कैसे है सबका, आपस में कोऑर्डिनेशन इतना लगान तोड़ दी बिल्कुल तोड़ दी। अच्छा, वो पड़ा फर्स्ट में तो इसको हम ही गाए हैं, सब प्रैक्टिस तो हम लोग सब मिलके ही किए हैं, तो एक्चुअल में हम गाते थे तो ये लोग को इजी भी लगने लगा, तो ये लोग भी मेरे साथ में गाता रहा लोग, तो जब सुनील भैया बोले एक साथ में इसको करना है तो एक दिन में ही सब हम लोग प्रैक्टिस कर लिए लोग सब मिलके, तो ऐसे हो गया। तो सब अलग अलग क्लास में पढ़ती है, ट्वेल्थ में, एट में, सबसे बड़ी बात तो ये क्लास टू में पढ़ती है, और इसको पूरा शिव तांडव याद है, और एकदम जब शुरू हुआ तो हम लोग को लगा कि ये चलता रहे। तो
कभी परफॉर्म करने भी कहीं जाती हैं आप लोग या फिर खुद प्रैक्टिस ही कर रही हैं अभी कोई शो हुआ? नहीं, हम लोग बहुत सारे परफॉर्मेंस किए, हमारे गांव में भी बहुत सारा परफॉर्मेंस होता रहता है, SSB कैंप, पूजा प्रोग्राम होता है, और मैं एक क्या बोलते हैं वो डिफरेंटली स्पेशल स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी बहुत जगह जाने का मौका मिलता है। देही हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो, कौन सो संकट मोरे गरीबों को जो तुम से नहीं जात है तारो। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो महाराज। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो महाराज। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो महाराज, कृपा करो महाराज। साहिना खातून नाम है, हनुमान जी का भजन गाती हैं, जय 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 हनुमान गुसाई। तो कभी कोई रोका नहीं कि ये मुस्लिम धर्म की बच्चियां हो तो तुम जो है काहे हिंदू देवी देवताओं के गाने गाते हो? जी नहीं, कोई नहीं रुकाया। जब माँ बाप पीछे खड़े हैं तो दुनिया रुकेगा तो रुकने से क्या फ़ायदा, हम अपना तो चलते रहेंगे, बस इतना ही। देखिए यही भारत है, रियल भारत यही है जहाँ हर धर्म के लोगों का समागम है और हर धर्म के लोगों का को बराबरी का अधिकार है और हर कोई हर चीज़ें कर सकता, तभी तो साहिना खातून हनुमान जी का भजन गा रही हैं और ये चारों बहनों मिल करके तांडव गाती हैं। इसके अलावा और भी भजने गाती हैं क्या आप लोग? जी हाँ। और कौन सा भजन सबसे अच्छा था जो जिसको लोग खूब पसंद करते हैं, एक बार हमारे दर्शकों के लिए वो भी हो जाए? इस लड़की की आवाज मुझे लगता है सबसे अच्छी है ना। मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम, छत चिड़ के हनुमान ने, छत चिड़ के हनुमान ने बता दे श्री राम, मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम, मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम, मेरे राम सिया राम, राजा राम सिया राम, मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम, मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है। इसके थी आज की वीडियो, तो यार बहुत अच्छी आवाज़ थी सच्ची में, दिल जो मतलब मोहित लेने वाली एक आवाज़ होती है ना वैसी इनकी आवाज़ थी, इतनी खूबसूरत। ये जो बच्ची थी ना इसकी मुझे लगता है सबसे अम्मी एक मतलब अच्छी आवाज़ होती है ना चारों बहनों की, वैसे अगर देखा जाए तो चारों की बहुत ज्यादा अच्छी है। और ये नहीं है कि भाई कोई एक बहन गा रही है तो दूसरों को बोले तुम क्यों गा रही हो, साथ ही गा सब ने सब एक दूसरे को साथ लेकर चल रही है। एक बच्ची 8-9 साल की है उसको भी उन्होंने लगाया अपने साथ, तो जो कि एक बहुत अच्छी चीज है हिंदुस्तान में, ये चीज हमें देखने में मिलती है कि भाई सब मजहब की रिस्पेक्ट करते हैं और किसी का मतलब इस तरह से शिव तांडव या फिर ये हनुमान चालीसा या फिर ये गाने से कोई भी अपना मजहब छोड़ नहीं देता। ये नहीं होता कि तुम भाई अब हिंदू बन गए, ऐसा नहीं होता, ये हर एक उनको सबका गाने उनका अब गाने का बहुत ज्यादा शौक है तो वो गा रही है इस चीज को, और जिसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया सबकी जानिब से। जो सच्चे मुसलमान होंगे ना तो वो इस चीज को सपोर्ट करेंगे, जो मतलब कट्टरवादी होते हैं ना मतलब के जो
हिरान फैलाने की कोशिश करते हैं, वो लोग हो सकता है कि बहुत ज्यादा रो रहे अटकाने की कोशिश करें, लेकिन उन्होंने बहुत प्यारी यहाँ पे बात किया कि माँ बाप मेरे कुछ है, मुझे किसी का डर है। ये चीज सही बात है, क्योंकि अगर आपका माँ बाप आपके साथ हो ना तो आपका सीना चौड़ा हो जाता कि यार मेरे माँ बाप मेरे साथ है, लेकिन वही माँ बाप अगर साथ ना दे तो बंदा मायूस हो जाता है और बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल करने से भी पीछे हट जाता है। लेकिन यार बहुत अच्छा लगा इनकी बात सुनकर, बहुत इनको कामयाबी मिले, हमारी यही दुआ है। तो आपको आगे बड़े मूवी सही आता है बिल्कुल। आपको इनका मतलब कैसी लगी आवाज़, प्लीज बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं कौन, थैंक यू।